सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस सुबह सुबह की इस वीडियो के अंदर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही कम दिन रह गए हैं, आपको पता ही है कि आज हो गई हमारी 17 तारीख। जी हाँ, आज हो गई हमारी 17 तारीख, यानी कि 17 नवंबर 2022। और बस एक एक दिन करके ये दिन भी जो है गुजर जाएंगे, क्योंकि अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, वो एक दिन गुजर ही जाता है, क्योंकि सारे दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। क्योंकि ये जो कैलेंडर है ना, वो कैलेंडर एक्सपायर होने के लिए ही यहाँ पे आया हुआ है। तो बस कुछ दिन के बाद ये 20 जो डेट है हमारी, वो भी यहाँ से एक्सपायर होने वाली है। तो बस 20 नवंबर से पहले पहले देखना है कि हमें क्या क्या मिलने वाला है। और 20 नवंबर के बाद तो बहुत कुछ मिलने वाला है, वो तो हमें पता ही है, क्योंकि बहुत 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 कुछ यहाँ से मिलने वाला है। ये एक अच्छे दिन की शुरुआत आप मान सकते हैं, अच्छे दिन की शुरुआत मान सकते हैं। सुबह सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सुबह सुबह अगर अच्छी न्यूज अगर हम सब लोगों को मिल जाती है, तो आप यूं समझिए कि हमारा दिन भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो आज बहुत सारी अपडेट्स हमारे बैक ऑफिस में आ चुकी हैं। आई होप आप सब लोगों ने उसको जो है सही तरीके से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। और अगर आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि आखिर कंपनी कब तक जो है मार्केट में आ सकती है, कब तक हमारे प्रोडक्ट हमारे हम सब लोगों के पास आ सकते हैं। सबसे पहले तो फाउंडर के पास ही आएंगे, ये तो निश्चित है, लेकिन उसके बाद मार्केट में किस तरीके से जाएंगे, किस तरीके से और भी सारे काम होंगे, वो अब पूरी की पूरी अगर आप बैक ऑफिस की समरी हिंदी में ट्रांसलेट करके अगर आप पढ़ लेंगे, तो आपको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा का सारा आपका पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है, वो आपका उसी में ही निकल जाएगा। सारे क्वेश्चन के सारे के सारे सवालों के जवाब आपको वहां पे मिलने वाले हैं। तो आज कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, जो एस मुफारिस सर ने हम सब लोगों को बताए थे, और बहुत सारे लोगों ने जो है वेबिनार को अटेंड भी नहीं किया था। बहुत सारे लोग बैक ऑफिस को भी अटेंड नहीं करते हैं, खोलते भी नहीं हैं। तो ये हम सब जो यूट्यूब के ऊपर जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, ये सब उन्हीं के लिए होती हैं जो बेचारे किसी के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, जो लोग देख नहीं पाते हैं, या फिर किसी के पास जो है कीपैड फोन है तो वो दूसरे के फोन में देख लेते हैं, या फिर कोई जो इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं तो वो यूट्यूब पर डिपेंड रहते हैं। तो हम सब लोग जो है मिल करके पूरी की पूरी जो यूट्यूब की जो कम्युनिटी है ऑन पैसिव की, वो इन सभी लोगों की जो हेल्प कर रही है। तो पहली चीज तो ये है कि एस मुफारिस सर ने एक बात कही थी कि हमारे पास 3 टाइप की पावर है। जी हाँ, 3 टाइप की पावर है। पहली पावर है हमारा विजन। हमारा विजन बहुत बड़ा है, हमारा विजन बहुत 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 बड़ा है। इतना बड़ा है कि शायद इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेट है, और इंटरनेट ये मान के चलिए जितना पूरी की पूरी ब्रह्मांड के अंदर जो आकाश सारी गंगाएं फैली हुई है ना, इस हिसाब का हमारा विजन यहाँ पे हो चुका है। बहुत बड़ा विजन है जिसकी कोई सीमा नहीं है। पहली पावर तो ये है हमारा, क्योंकि जिसका विजन बड़ा होता है उसमें काम करने की ताकत भी अपने आप ही आ जाती है। उसमें काम करने की जो आइडियाज होते हैं, काम को किस तरीके से करना है वो अपने आप ही आ जाते हैं, काम को किस प्रकार से करवाना है दूसरों से वो भी अपने आप आ जाते हैं, और काम को किस तरीके से मार्केट में लागू करना है अपने काम करने के बाद, वो भी सब कुछ अपने आप ही आ जाता है। तो विजन हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। चाहे आप छोटा काम करें या बड़ा काम करें, अगर आपकी लाइफ में विजन है तो आप एक सक्सेसफुल इंसान 101% जरूर बनेंगे, चाहे भले वो देर से बने। लेकिन एक विजन नहीं है, आपके माइंड में कोई थॉट ही नहीं है नया, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक रोबोट बन के रह जाएंगे कि बस सुबह उठना है, बस पूरे दिन वही काम करना है, फिर सो जाना है, उसके बाद फिर सुबह उठना है, फिर वही काम करना है, फिर सो जाना है। मतलब एक रोबोट वाली जिंदगी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे हम सब लोग रोबोट नहीं है, हमारे मन के अंदर या हमारे माइंड के अंदर यहाँ पे बहुत सारे नए नए आइडिया जो अब हमेशा आते रहेंगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती रहती है। दूसरी जो पावरफुल चीज ऐसा ने बताई थी हमारे पास क्या है पावरफुल चीज, क्योंकि ये जो कुछ चीजें होती हैं यही इंसान को आगे बढ़ाती हैं, वो है फाउंडर्स, यानी कि हम सब लोग जितने भी हमारे फाउंडर्स लोग हैं आज 1.4 मिलियन लोग, ये एक बहुत बड़ी पावर है। क्योंकि एक एक जो कहते हैं ना कि झाड़ू की अगर एक जो सीख होती है, वो अपने आप में कोई भी ताकत नहीं है। यानी कि वो कहते हैं कि झाड़ू की अगर एक एक सीख अगर आपस में इकट्ठी है तो वो कचरे को साफ कर देती है, अगर वो झाड़ू की सारी सीख अगर कहीं ना कहीं बिखर जाए तो वो खुद ही खुद कचरा बन जाती है। तो यहाँ पे
हम बहुत बहुत बड़े एक बंडल में फिक्स हो चुके हैं सभी लोग। 1.4 मिलियन जो हमारे डैशबोर्ड पर नजर आता है वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि एक बहुत बड़ा इतिहास रचने के लिए तैयार बैठी हुई है। बस हमको हरी झंडी मिलने की देर है। जैसे ही एसएम फारेस्टर हमसे बोलेंगे कि हाँ बस आप सब लोग तैयार हो जाइए, एक उनका एक और सबसे बड़ा अलादीन का चिराग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी दूसरी तरफ बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब मुझे यहां से छुटकारा मिले, कब मैं लोगों के मोबाइल फोन में लैपटॉप में जाऊं, उनको कुछ ना कुछ देखूं, संकेत करूं और वो भी कुछ ना कुछ करें। तो वो भी इंतजार कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंतजार कर रहा है, तो एक टेक्नोलॉजी इंतजार कर रही है, तो वो भी हम सब लोगों की तरह बेचैन है। तो यहाँ पे फाउंडर्स बहुत बहुत बड़ी एक पावर है। फाउंडर्स के बिना इसकी कोई फाउंडेशन नहीं है, फाउंडर्स के बिना ऑन पैसिव नहीं है और ऑन पैसिव फाउंडर्स के बिना भी नहीं है। कहां 2, 4, 6, 10 लोगों से इसकी शुरुआत हुई थी और आज देख सकते हैं कि 4 साल के अंदर लगभग 14 लाख लोग जो है इसके अंदर आ चुके हैं, एज ए फाउंडरशिप में यहां पे आ चुके हैं। अब तो हम सब लोग जो है एज ए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी जाने जाने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर। तो ये है हमारी सबसे बड़ी पावर। उसके बाद जो तीसरी जो सबसे बड़ी पावर है जो एसएम फारेस्टर ने बताई थी वो है सुपर, जी हाँ, सुपर एक्सीलेंट टीम। सुपर एक्सीलेंट टीम जो कि यहां पे इस समय हैदराबाद के अंदर जो काम कर रही है, सुपर एक्सीलेंट टीम जो हैदराबाद के अंदर आज काम कर रही है। आपको पता है कि अभी जो हमारी डॉक्टर सोहा मैडम गई थी तो उन्होंने देखा कि 500 लोग वहां पे लगातार दिन रात काम कर रहे हैं और जब उनको नींद आती है तो वहीं ऑफिस में ही सो जाते हैं। उसके बाद कोई सो भी रहा है तो कोई नहीं भी सो रहा है, यानी कि जिसको जैसा आराम करने का वक्त मिल रहा है वो उतना आराम कर रहा है, लेकिन दिन रात वहां पे लगातार काम चल रहा है। किसके लिए? फाउंडर्स के फ्यूचर के लिए, हम सब लोगों के फ्यूचर को सेव करने के लिए। आफ्टर ऑल वो भी सब एक अपना भी भविष्य बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत सारे 1.4 मिलियन लोगों का भविष्य भी उनके हाथ में यहाँ पे लगा हुआ है। तो पिछले 3 दिन से लगातार जो है उन्होंने देखा, जब हमारे सुहा मैडम जो है दुबई से हैदराबाद आई है तो लगातार 3 दिन वो वहां पर रहे, तो 3 दिन के अंदर उन्होंने वहां बहुत कुछ एग्जामिन किया और वहां पर बहुत कुछ देखा कि बहुत वाकई में हार्डवर्क किया जा रहा है कंपनी के अंदर। उसके बाद वर्ल्ड कप की जो शुरुआत होने वाली है कुछ ही दिनों में, तो प्रोडक्ट को डेवलप किया जा रहा है बहुत ही तेजी के साथ। प्रोडक्ट को, जो हमारे प्रोडक्ट आने वाले हैं उसको डेवलप किया जा रहा है बहुत तेजी के साथ, और लॉन्चिंग की प्रक्रिया, लॉन्चिंग की जो प्रोसेस है ना उसको बहुत तेजी से किया जा रहा है ताकि समय पर वो सारा का सारा काम फिक्स हो सके। और दूसरी बार एस सर ने ये अनाउंसमेंट भी कर दिया है, जी हाँ, दूसरी बार ये अनाउंसमेंट किया है। और सबसे ज्यादा एस सर ने जो है ओ मीडिया टीम को भी सबसे ज्यादा और सबसे स्पेशल थैंक्स भी बोला था, क्योंकि ओ मीडिया की जो डिपार्टमेंट टीम है, यानी कि जितने लोग भी टीम के अंदर हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की है, उन्होंने बहुत सारे कामों को सफल बनाने में हेल्प की है। तो यहाँ पे लॉन्चिंग की प्रोसेस जो है बस बहुत ही तेजी से हो रही है और कुछ ही दिनों में जो है आपने देखा होगा कि कई पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप के ग्रुप में कि 20 नवंबर लॉन्चिंग, लॉन्चिंग का वर्ड उसमें जरूर लिखा हुआ है, 20 नवंबर के साथ साथ लॉन्चिंग का वर्ड उसमें जरूर लिखा हुआ है। तो ये 20 नवंबर की जो डेट है वो वास्तव में जो है बहुत बहुत कुछ हम सब लोगों को देने जा रही है, बस हम सब लोगों को थोड़ा सा वेट करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो कि एस मुफारिस सर ने हम सब लोगों को बताए थे वेबिनार के अंदर, ये वाकई में बहुत बहुत ज्यादा अंदर से एक स्ट्रांगनेस पैदा करते हैं, एक कॉन्फिडेंस देते हैं, एक अंदर से हमें एक्साइटमेंट से भर देते हैं कि हाँ वास्तव में वी आर ऑन द राइट प्लेस, वी आर ऑन द राइट कंपनी एंड वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हम सब कुछ जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल सही हाथों में हमारा हाथ जा चुका है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, वी आर इन इट टू विन इट।